जी तो हम आए हैं डाइनो वैली। ये बहुत ही मज़े की वीडियो बनी है यहाँ, ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी है, मज़े की वीडियो है, तो कंप्लीट देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और एक नई सुबह और एक नई उम्मीद के साथ सबको गुड मॉर्निंग और सबको बहुत बहुत सलाम। आज मूड इतना अच्छा हो रहा है क्योंकि माहौल बड़ा अच्छा है। हाँ, पहले आप सलाम कर लो। अस्सलामुअलैकुम सब देखने और सुनने वालों का। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? ठीक है, हम लोग ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। और अब दिखाते हैं, हम जा रहे हैं नाश्ता करने। हम नाश्ता करने जा रहे हैं, हम सुबह उठे हैं, रेडी हुए हैं और हम जा रहे हैं नाश्ता करने। नायरा पीछे हो, व्यूज देख के ना बंदा एकदम से फ्रेश। ये देखिए जी, जबरदस्त है यार, बहुत अच्छा। कैमरा वो चीज कभी नहीं दिखा सकता। ये इन्हीं का होटल बन रहे हैं, अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, अपार्टमेंट्स टाइप मुझे लगता है कुछ बन रहे हैं। हाँ, कॉटेजेस भी हैं, वो भी तकरीबन कंप्लीट ही है मेरा ख्याल, लेकिन अभी उन्होंने वो शुरू ओपन नहीं किए हुए। ये सब ये पूरे पहाड़ पे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, प्रोजेक्ट है और बहुत ज़बरदस्त है। मतलब यहाँ पे आप आओ तो बहुत काम और पीसफुल इन्वायरमेंट है। ध्यान नहीं करो, अपनी पुरानी टेंशन वगैरह सब भूल जाएंगे, इतना सुकून है यहाँ पे, जैसे हम भूले हुए जैसे हम भूले हुए जाते ही शुरू हो जानी है फिर टेंशन। फिलहाल ये है कि यहाँ का माहौल ऐसा है कि ये देखिए, ये ऊपर वो सामने, ये भी इन्हीं के विलास बन रहे हैं, पीछे तक ऐसे हैं, ये ऊपर ये सारे विलास इन्हीं के हैं, वो सामने हैं, काफी है। मेरे ख्याल 25-30 तो अभी तक कंप्लीट हो गए हैं। बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छी है, कुछ अभी तक हमें कंप्लेन नहीं मिली। कंप्लेन सिर्फ एक ही है जो बार बार हम बता रहे हैं कि इनके चार्जेस इसके खाने के थोड़े से एक्सपेंसिव है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ खाना खाने आ रहे हो तो वो सही नहीं, वो सही नहीं है। स्टे के लिए आ रहे हो तो बहुत बेस्ट जगह है। और स्टे में देखे ना, आपका वो ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, उसके एना का खा लो कि दोपहर खाने की लोड़ ना पवे। कर लो, बात ये है कि हम जिस मौसम में आए ना, मौसम भी बहुत अच्छा है, बहुत सर्दी भी नहीं है, हम और गर्मी भी नहीं है, और मजे की लग रही है, धूप अच्छी लग रही है, मौसम जो है वो कोई खतरनाक नहीं है कि बच्चे बीमार। नायरा थोड़ी पीछे हटो बेटा, अभी यहाँ पे हम लेंगे पिक्चर्स, यहाँ पे फोटोग्राफी करनी है। चलें इसकी पिक्चर्स ले लूं, इसका इंस्टा पे लगाने का मूड होता है, फिर कहती है मेरी पिक्चर नहीं है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, हिना आसिफ 6958 मेरा आईडी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हम आप लोगों के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। हम यहाँ हमारे आने का मकसद ये सिर्फ बता दें, ये सिर्फ बता दें, ये जगह दिखाएं जो आई डोंट थिंक कि किसी यूट्यूबर ने, पाकिस्तानी यूट्यूबर ने ये एरिया कवर किया है, कोई इतनी डिटेल से कवर किया है। और एक और चीज, सिर्फ अपनी YouTube फैमिली को इतना बता दें कि रात को मुझे एक वीडियो एडिट करने में कितना टाइम लगा। एडिट नहीं, अपलोड तो करने में हो ही गई, अपलोड करने में आई थिंक 8-12 आवर्स लगे हैं, पूरे 11 घंटे लगे हैं। इतनी मुश्किल वीडियो हमने अपलोड की है जिसकी इंतहा नहीं। और दूसरा ये कि ये जो एरिया है ना हाईलैंड, हमने काफ़ी हम फॉलो करते हैं यूट्यूबर्स को, लेकिन किसी ने ये एरिया कवर नहीं किया हुआ हमारे ख्याल से। एक बाहर से आया था, आई थिंक अमेरिकन था या यूट्यूबर था, वो बहुत बड़ा पता नहीं लड़का था लड़की थी, नहीं लड़का था। अच्छा, उसने ये दिखाया था, उसी की वीडियो से हम इंस्पायर होके जो है यहाँ पे आए। रियान इधर आ जाओ, गाड़ियाँ आ रही ऊपर से, पहले की बात है। हाँ, उसी ने इसका सारा रिव्यू दिया था और ये आया, क्या है, हेलीकॉप्टर आ रहे। चलें बरल छोड़ो, और आप लोगों ने भी बताना है कि आप लोगों को ये एरिया, ये जगह कैसी लगी और हमारे यहाँ पे वीडियोस कैसी लग रही हैं। और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बोल, अच्छा ये जो रास्ता जा रहा है ये भी सारा इन्हीं का है, आगे विलाज हैं, कॉटेजेस हैं, और यहीं से 6th फ्लोर तक इनकी जो बिल्डिंग ऑपरेट है वहीं से हम नीचे जाएंगे लिफ्ट के जरिए। और क्या कहते हैं, तकरीबन 6th फ्लोर की बिल्डिंग अभी ऑपरेट है, बाकी ये सब ऑपरेट होना बाकी है। काफ़ी बड़ी बड़ी है, देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं। हाँ, पर यह है कि यहाँ पे एक चीज़ और है मज़े की चीज़, वो इनके लिए तो नुकसानदेह, हमारे लिए एक मज़े की है कि रश नहीं है बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे इतना रश होता होगा। आई थिंक ये अनएक्सप्लोर, एक तरह से आप कह सकते हो, इस्लामाबाद वालों को शायद पता है ये एक अनएक्सप्लोर सी जगह है, मुझे लगता है। अच्छा, ये काफी थोड़ी सी मुझे
लगता है एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए, करनी चाहिए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट। पर एडवर्टाइजमेंट पे आएंगे तो रेट्स और बढ़ा देंगे ये। तो छोड़ो, लेकिन ये है कि ये उन लोगों के लिए जिनको सुकून पसंद है और जिनको सुकून की तलाश है वो यहाँ आए। रश नहीं है यहाँ पे कोई आसपास, नॉर्मल लोग जो रश देखना चाहते हैं मरी जाए, ये शॉपिंग करना चाहते हैं वो साइड है। यहाँ पे कोई शॉपिंग की जगह नहीं है, यहाँ पे सिर्फ सुकून लेने आ सकते हैं। मुझे लगता है ये मुझे बहुत गर्मी लग रही है। चलें अब उधर चलते हैं, चलें वीडियो भी काफी लंबी हो रही है। अब हम बच्चों को लेके जा रहे हैं कहाँ पे है ना? अब हम जा रहे हैं डीनो वैली, और इसी वीडियो में आपको डीनो वैली भी इसी वीडियो में आगे डीनो वैली भी दिखाते हैं और जितना को हो सके। डर गया था डायनासोर को देख के रास्ते में, अभी भी कह रहे हैं मम्मा मुझे डर लगे। अच्छा ये वीडियो फिर बच्चे भी बड़े मजे से देखेंगे क्योंकि इसमें डीनो वैली पूरी आनी है। वो वीडियो देखते रहे क्योंकि अभी हम बहुत मजे की जगह पे जाने वाले हैं। चलें चलते हैं जी। तो नाश्ते के लिए आ गए हैं हम लोग। ये क्या है? जूस लग रहा है। जो भी सबसे पहले मैं पीने लगी क्योंकि मुझे बहुत प्यास लग रही है। मुझे खुद लग रही है। आने के लिए आपको 10 मिनट की मेरा दरकार है। हाँ 10 मिनट लगते हैं पैदल, वो भी अगर लिफ्ट से आए, लिफ्ट वाली साइड से आए। कैसे कौन सा है यमी है? आपने पूछा कैसा है, कौन सा भी पूछा। अच्छा जी, तो ये है जी हलवा, ज्ञान नान। चले यहाँ ये नजर आ रहे हैं बॉइल एग, बॉइल उबर अंडास। आप लोगों ने क्या खाना है आके देखो। व्हाट इज दिस? इसका नाम क्या है? सॉसेजेस है, आलू की भजी है। ज्ञान नाइदर, रुको चने हैं। चले आगे लास्ट दिखा देना। ओए ये हमारे काम का नहीं है, गोश्त मुझे गोश्त। अच्छा निहारी, ये चिकन की निहारी है। चलें जी अब नाश्ता लगाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो नायरा खा रही है पराठा और हलवा, हलवा तो भी कह रही है। हम लाए हैं चने, पूरी पराठा और ये जूस, और वो कह रहे हैं ऑमलेट बन के आ रहे हैं फ्रेश, वो फ्रेश बना रहे हैं। क्या कह रही परसों बन के आते हैं कुछ। हाँ ये रियान के लिए बॉयल एग्स, ये हमारा आज का है नाश्ता। चलें तो नाश्ता करते हैं। ये देखे जी इना खा रही है, कहते थे ना खाते हुए दिखाया करें। चने बहुत मजे के हैं। क्या कह रही हो? चने बहुत मजे के हैं। मैं ट्राई करूं? बहुत प्लीज थोड़ी देर चुप रह के खा। क्या हुआ? इसको टूथ पे खानी है, इसके दांत में ना हलवा फंस गया। टूथ पे खानी है, टूथ पे यूज करनी है। ज्ञान के दांत में हलवा फंस गया हमारे यहां। पूरी फंस गई है। चलो ये खा। वाकई नो डाउट बहुत यमी है चने भी और ये पूरी पराठा, बहुत मज़े के हैं ना, मज़ा आ गया खा के। हाँ जी इसका है ना, अब कैमरा ऑन है, इसकी भी थोड़े से ट्राई करवा दो। ये देखें जी नो डाउट, और ये जूस फ्रेश जूस ये भी बहुत मज़े के हैं। प्यान एगी भी है, बॉयल एगी खाने। मैं कह रहा हूँ आप ये एक थोड़ा सा ट्राई करके बता दें। एग ट्राई करके बता दें। नायरा तो इंजॉय कर रही है, मज़े से नाश्ता कर रही है ना। आप ट्राई करके बताइए। शक्ल देखो इतनी आ गया। हाँ अच्छा ये साथ बता दें, ये नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री है, नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री है, बच्चों का भी इंक्लूडेड ही है। हालांकि मतलब टू पर्सन के रूम था हमारा, लेकिन बच्चों ने पर बच्चों का भी उन्होंने फ्री कर दिए। बच्चों ने खाना क्या था जो उनका ना करते फ्री। चलें जी अब करते हैं नाश्ता, तो फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से। ओके थैंक यू। 10-15 मिनट बैठ। हाँ हमने जी नाश्ता कर लिया है। अच्छा मैं साथ साथ बताती जाऊँ, बुफे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे लेकिन जो भी था बहुत अच्छा था। लाइक उसमें देसी भी था और दूसरा भी था। कल परसों जब हम दिखा रहे थे ना, ये मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये इनका इंडोर नहीं इंडोर उस साइड पे है जहाँ हमने नाश्ता किया, ये मस्जिद बनाई। हल्का सा दिखा देती हूँ उधर से, आगे वाली साइड से। ये सारा एरिया है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी सारी है। अच्छा बुफे का मैं बता रही थी, उसमें आपको मतलब ऑमलेट भी था, बॉयल एग्स भी थे साथ में, जो है टोस्ट वगैरह, स्लाइस जैम और कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ऐसी चीज़ें भी हैं। जूस का भी एक ही ऑप्शन था, पर इतना कोई रिफ्रेशिंग और ज़बरदस्त जूस था कि बस है ना, सिर्फ
जूस और हम जो है ना क्योंकि वॉक करके आए थे तो बड़ी प्यास लग रही थी एकदम से, तो मजा आ गया हमें जूस पी के। वो जूस का टेस्ट बिल्कुल फ्रेश था ना। और ये है जी, मैं आपको साथ साथ दिखाती जाती हूँ, चने भी बहुत मजे के थे, है ना आसिफ? चने बहुत अच्छे थे यार, जो भी था बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं थे लेकिन जो भी था सब कुछ बहुत जबरदस्त था, टेस्ट भी बहुत आला था और बहुत फ्रेश उन्होंने हमें ऑमलेट जब हम गए हैं, हालांकि पहले से पड़े हुए थे फैमिलीज करके जा चुकी थी ब्रेकफास्ट, लेकिन जब हम गए तो उन्होंने हमें पराठे और ऑमलेट जो बिल्कुल फ्रेश बना के दे रहे थे, हालांकि मैं लेने लगा था उन्होंने मना किया, कह रहे हैं वेट कर ले। सर्विस इनकी बहुत अच्छी है और स्टाफ बहुत फ्रेंडली है और बहुत ज्यादा क्विक सर्विस है कह सकते हैं आप। सर्विस, रूम्स बहुत अच्छे हैं, हर चीज परफेक्ट है, लेकिन एक चीज मुझे इनमें कमी लगी है, वो ये कि थोड़ा सा प्ले एरिया बच्चों के लिए होना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों के लिए कुछ होना चाहिए, बच्चों के लिए कोई खास ऑप्शन नहीं है। शायद कहीं करें कुछ, मैंने सजेशन में तो यही लिखा है। अच्छा जी, वहाँ चलते हैं, थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ जी। कि इनका खाना पीना थोड़ा सा एक्सपेंसिव, अगर आप खाली डिनर के लिए आ रहे हैं तो वो आप थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा एक्सपेंसिव सोच के आए, अगर अच्छा आप बड़ी फैमिली आ रहे हैं तो फिर तो अच्छा खासा बिल बनेगा। कल का हमने डिनर दिखाया है जी, क्या था एक तीन मतलब तीन थे उसमें, दो तीन बंदों का नॉर्मल जो बारबेक्यू था इतना था, वो 7,500-7,000 रुपए का, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि और एक पानी अपना साथ लेके आई है, ये करबला है। पानी की बोतल कितने की है? पानी बहुत एक्सपेंसिव है भाई, मेरे ख्याल 400 की पड़ेगी, 450-450 रुपए की पानी की छोटी बोतल है, नहीं बड़ी वाली, मतलब छोटी 1.5 लीटर वाली, 1.5 लीटर वाली। चले मैं वहाँ चल के ना थोड़े से व्यूज दिखाती हूँ तो, और हमें तो भाई पानी के बगैर गुजारे नहीं, तो अब हमने पानी दिया था लेकिन पानी बड़ा एक्सपेंसिव पड़ा हमें। चलिए खैर, मैं आपको थोड़े से वहाँ चल के व्यूज़ दिखाती हूँ। यहाँ से हम आए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी इनका जो है वो क्या कहते हैं इसे, कॉटेज बन रहा है, क्या विलास बन रहा है, हाँ विलास बन रहा है। और ये है जी रास्ता हमारे रूम तक का। अच्छा एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि आप लिफ्ट में बैठो और फिर आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर आपको आई थिंक 5 से 10 मिनट की हम जैसों के लिए 5 मिनट लेकिन आप अगर इन्जॉय करते करते जाओ तो लग जाता है टाइम। तो यहाँ पे खड़े होके अब थोड़ी पिक्चर्स भी लेती हूँ और व्यूज़ भी देखती हूँ जी। तो हम आ चुके हैं डाइनो वैली, ठीक है, तो आप चल रहे हैं अंदर और इधर है, इट्स अ डस्टबिन, कम हियर। आप एक्साइटेड हो? पहले बताओ आप एक्साइटेड हो? हाँ। नायरा कम हियर, बच्चे इतने एक्साइटेड है ना जिसकी इंतहा नहीं। अच्छा तो लेट्स गो, साथ साथ हम दिखाते रहेंगे। अच्छा टिकट के प्राइस भी बता दें, 100 रुपीज पर पर्सन, बहुत कम। आगे बैठो ना, आगे मजा आएगा बैठने में, पीछे क्या देखोगे, पीछे कुछ नजर, बस वो बैरिया में पीछे बैठी थी ना वही इसके दिमाग में, आगे बैठोगे तो नजर आएगा। अच्छा तो हम ये क्या कहेंगे इसे, कार टाइप है, पता ही मुझे जहन में नहीं आ रहा, ओ माय गॉड, हाँ जो भी है भाई, बड़ी तेज चला रहे हो, मजा आ रहा है, बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बच्चों के लिए अब कुछ मजेदार हुआ है ना आसिफ, है ना नायरा? पहले ये अब खुश हो बच्चों, अभी सब देखेंगे, चलें यहाँ उतरेंगे आप पैदल घूमेंगे, ठीक है, फिर जो खाना पीना होगा बाहर से भी व्यू अच्छा है। और बड़ी धूप थी एकदम से, बादल बादल भी आ गए, मौसम अच्छा, ना सर्दी है और ना बहुत बड़ा अच्छा सा मौसम है, वो देखिए करो नायरा तो बड़ी जबरदस्त थी अभी तो जगह लग रही है, साथ साथ वीडियोस भी बनाते रहेंगे। यहाँ पे आगे है खतरा, उस साइड से चलो, नहीं जाना तो है कुछ नहीं, मना कर रहा हूँ, अच्छा वो उस साइड पे चलें देखते हैं, यही कह रही हूँ, चलो बैठो मैं यहाँ पे आप लोगों की पिक्चर लेती हूँ। रियान सिट हियर, सिट ऑन द बेंच, उसके मुंह में हाथ डाल के डर भी आया, बैठो रियान, इसको बिठाए ना, इसने सुनना ही नहीं, बैठ लो नायरा,
की एंट्रेंस फीस जो थी वो थी 100-100 हम दोनों की अडल्ट्स की, और जो अंदर आप कार्निवल एरिया में जाएं यहाँ पे जो है यहाँ की फ़ीस मैं साथ साथ बताती जाती हूँ। यहाँ पे 500 अडल्ट की है, 2 इयर्स जो है वो फ्री है, और 2 इयर्स से अबव की 200 है। तो मुझे लगता है जितना जगह ज़बरदस्त है उस हवाले मेरा ख़्याल मुनासिब है। 500 आसिफ के यानी 1000 हमारे होंगे और 200 बच्चों के होंगे। तो लेट्स सी, एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे कार्निवल भी है बाय मुनाल रेस्टोरेंट वगैरह, और बड़ी ज़बरदस्त जगह लग रही है, तो लेट्स गो एंड एक्सप्लोर। ये है जी थीम पार्क की एंट्रेंस, और यहाँ पे डायनासोर्स की आवाज़ें आ रही है ना, सुनो बच्चों, ऊपर बड़े बड़े डायनासोर्स हैं। आओ दिखाऊं, अभी बच्चे एंट्रेंस पर इतने दीवाने हो गए कि अंदर जाके थीम पार्क है वो देखो सामने। रियान की अजीब से एक्सप्रेशंस हुए हुए हैं। रियान आप डर रहे हो? अब रियान को ये जो है ना नकली नहीं लग रहा है, उसको लग रहा है कि ये ओरिजिनल है, है ना रियान? फेक है कि असली है? फेक है। तो आप डर क्यों रहे हो? चलो आओ ऊपर से। ये वाली जो इसकी जो आवाज है ना, ये बिल्कुल ओरिजिनल लग रही है। एक इसकी, एक और ऊपर से कोई आ रही है। ये इसकी आ रही है? नहीं इसकी नहीं, वो अच्छा। ये इस तरह स्टेप से एक खुली जगह नहीं है कह सकते, मैं ऐसे दिखाऊं, ये देखें ये सारे जो है ना स्टेप्स कवर स्टेप वाइज है। हाँ, और स्टेप से चढ़ चढ़ के ऐसे हम ऊपर आई जा रहे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट। लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छी जगह है, बच्चे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। पाकिस्तान में थीम पार्क बहुत कम है, अगर हैं भी बहरिया वगैरह में तो काफ़ी एक्सपेंसिव है उनकी एंट्री टिकट, लेकिन इसकी मुझे मुनासिब लगी है। और बच्चों के लिए ना बहुत अट्रैक्शन वाली जगह है, बहुत मज़ेदार सी। ये देखिए मुझ पर चीख रहा है कि मेरी यूट्यूब पर मत डालो, जैसे कुछ लोगों को कैमरे पे आने पे एतराज़ होता है, इसको भी एतराज़ है। ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ज़बरदस्त सी इसकी एक ओवरऑल फीलिंग बहुत अच्छी है, डिफरेंट है। ये देखें जी एलिफेंट एंड दो बेबी एलिफेंट। आप लोग इधर खड़े हो जाते हैं ना, आप लोग वहाँ खड़े हो, पिक्चर्स ले लेते हैं, पिक्चर से वीडियो बना लो, बस उसमें से कैप्चर भी हो जाएगी। स्टैंड स्ट्रेट, बस हाथ नहीं लगाना बेटा, टच करने से मना करते हैं भाई को। ओ, देखो मेरा बेबी कैसे खड़ा होगा। रियान इधर देखिए, अच्छा वो डर रहा है कि सर पे ना लग जाए। रियान इधर देखो, दोनों कितनी हाइट है उसकी, लाइक इट कर दो, लाइक इट, मजा आ रहा है दोनों, ये बताओ। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं। यहां देखो फ्लावर्स कितने प्यारे लगे हैं। रात छोड़ो, ये व्यू देखो, वो सामने वो है, बहुत है ना, वहाँ से आए हैं आइलैंड। कहाँ था वो? सामने है वो वाइट वाइट नजर आ रहा है। नहीं, ये आइलैंड नहीं है, मुझे नहीं लग रहा आइलैंड ही है, वो नए होटल्स बन रहे हैं। हाँ आइलैंड ही है, आ जाओ उतार। तो भाई ये फुली रिकमेंडेड है, अगर आपके साथ इस तरह छोटे बच्चे हैं तो बच्चों के लिए ही है। अगर आप अकेले नहीं आना तो फिर कोई मजे की बात नहीं, लेकिन बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं यहाँ पे आके, ये है ही बच्चों के लिए। हाँ पाकिस्तान में बहुत कम है ना इस तरह। अब यहाँ पे देखो ना, आप आओगी आप खुद चुड़े लो, जानवरों के साथ क्या करना। हाँ, मुझे देख के डायनासोर भी डर जाएंगे, जैसे मैंने आपको डरा के रखा है, डरा के रखा है ना, जैसे आप बहुत ज्यादा देखा वो देखो। अब बताओ ये कौन है, ये इन्हें तुम्हारा कोई रिश्तेदार बनाओ। आसिफ, ये आसिफ ही असली होगा इसका, ये स्केलेटन ये वाला असली, ये भी असली लग रहा है, ये है ना उसके वो, इसको वो किया हुआ है ना। हाँ पता नहीं असली है कहीं, यार असली फीलिंग ऐसी दी है मुझे, मैंने कभी डायनासोर की हड्डी नहीं देखी। वो देखो वो डर रहा है खड़ा, वो देखो रियान को चिंपैंजी से डर रहा है। चिंपैंजी वाकई अजीब से लग रहा है यार, मुझे अजीब से लग रहा है। हेलो हेलो रियान, आप डर रहे हो? अच्छा अकेला डर रहा था, आज से जब आप आयो तो हिम्मत आ गई उसके अंदर। तो भाई ये है हमारा,
टेंट है बस इतना ही है। ये आप ऊपर होटल बना रहे हैं वो दिखाई होटल बन रहा है इनका। हाँ क्या पता है वो हो रेस्टोरेंट है या होटल है। नायरा क्या कह रही है? ये पापा है, ये नायरा है, वो रियान है। मम्मा नहीं है। थैंक यू। मम्मा खुद है ना आसिफ, तो मम्मा खुद इसी कैटेगरी। यार ये मुझे तो अजीब सी फीलिंग आ रही है इनको देख के ना। मम्मा खुद इसी कैटेगरी। बस कट जाओ मेरा रिकॉर्ड लगाना। तो यहाँ से आपको नजर आएगी लुक पूरी। और ये चिंपैंजी ना मुझे भी कुछ क्रीपी सी लग रहा है, बहुत क्रीपी, यू नो है ना नायरा, क्रीपी लग रहा है ना बहुत। यार व्यू भी अच्छा है यहाँ पर। अच्छा इस साइड पे एक इशू है जो मैंने नोट की है, व्यू बहुत अच्छी है पर दरख्त इतने बड़े हैं कि व्यू छुप रहे हैं। हाँ वो तो नेचुरल सी चीज है। और ये चीज वहाँ भी है नथिया गली में भी। नथिया गली में मुझे ये दरख्त बहुत पसंद है पर उसमें पता है क्या है, कई ऐसी जगह है जो हाइट पे है तो उसकी वजह से ओपन है। यहाँ अच्छा? पे मुझे ओपन अभी तक नजर नहीं आ रहा। ओपन स्पेसेस कम है। अब आप मुझे बताओ, और व्लॉगिंग के लिए ना ओपन स्पेसेस ज्यादा चाहिए। अब मुझे बताओ आज से नेक्स्ट टूर कहाँ का होगा? पहले तो इस टूर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट करो, डिस्टर्ब कर रहे हो हमें। अभी तो ये चलेगा थोड़े दिन, पर नेक्स्ट टूर जो होगा ना वो उनसा का बनाएंगे नहीं इंशाल्लाह। अगर आप लोग हमारा साथ दे, नहीं आसिफ अगर हमारी YouTube फैमिली हमारा साथ जाना पड़ेगा नीचे से। यार यहाँ पे बंद कर दूँ, नीचे जाके बनाते हैं। ध्यान पीछे हो पहले आप। जी जी हम ले रहे हैं यहाँ पे। एक हाथ से। Come on Naira, you can do it. Come on Naira, you can do it. इसके बाद आपके टर्न। Come on Naira. Come on Naira. चलो इसके साथ ज्यादा क्यों उसको फेंक दे नहीं फेंक दे उसको तंग करते हैं ठीक है। हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो भाई। नायरा के साथ तो सही सीन हुआ है, आइसक्रीम लवर के साथ। चलो अब आपकी बारी। यान यान नहीं पकड़ सकता कौन? पकड़ो यान, पकड़ लो यान, पकड़ लो। उसे हाथ पे लगी गाने लगी। दूर से पकड़ लिया, जाओ आप वो आइसक्रीम लेके। इसको दे दे भाई। वो देखो गिरा दिया। ओ अच्छा दे 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 दे। हमें पता था इसके साथ यही होना है, इसका मूड हो जाना है खराब। मैं नहीं खा रहा अब। वो रोने लग गया। ये बड़े मजे का सीन है और यान पे कोई भरोसा नहीं है भाई, ये फेंक नहीं सकते। थैंक यू से थैंक यू। यस यम्मी। ये कहानी एक हाथी और एक चींटी की है। सुना। एक बार जंगल में एक हाथी रहता था, उसे अपने बड़े बिल्डोर पर घमंड था। वो हमेशा जंगल के दूसरे जानवरों को तंग करता और उनका मजाक उड़ाता। ध्यान नीचे उतर के खड़े हो। हाथी और चींटी, ये कहानी एक बस थोड़ी सी सुनाते हैं, क्लिप सुनाते हैं। एक बार क्या कहेंगे इस बारे? रिव्यू ये है कि बच्चों के लिए बहुत बेस्ट जगह है। थोड़ा इधर आ जाए, इसका भी शोर है। इधर आ जाओ।
भाई रिव्यूज़ का ये है कि बहुत ज़बरदस्त जगह है और एक पूरी इन्वायरमेंट है जिस तरह इन लोगों की स्टाफ की ड्रेसिंग है और ये साउंड्स हैं और ट्रीज़ हैं, बड़ी मज़े की जगह, बहुत खुली जगह, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, स्टेप वाइज ऊपर जाओगे आप, और बहुत बच्चों के लिए अच्छी जगह है। और क्या कहना था हमने, ये कहना था कि अगर आप लोग हमारा इसी तरह साथ देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो बहुत जल्द हम फिर एक अच्छा सा टूर प्लान कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए आप लोगों का साथ, तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नाल यूट्यूब को पैसे भी, हाँ साढ़े को ज़्यादा पैसे पैसे होंगे तो जाएंगे। हालात जो हो रहे हैं आजकल, ये ट्रिप अल्लाह अल्लाह करके हमारा हुआ है, बरल बहुत अच्छा रहा है, छोटा सा ट्रिप, बरल ये ख़त्म नहीं हो रहा, हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि जैसे ख़त्म हो रहे हैं। हाँ अभी और अभी हम देखेंगे आगे हम कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। एक जो है राज है, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करें यार, यहीं पे एंड करना है या यहीं पे, वैसे बात सुने ना, मुनाल मुनाल तो नहीं, मेरा मूड हो रहा, टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे निकल रहे हैं, हम आगे कहीं चलते हैं, तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। अब आपने देखना है नेक्स्ट वीडियो में कि हमारी मंजिल क्या होगी। अच्छा उसकी वजह ना देखें, हाईलैंड का रिव्यू किसी ने नहीं दिया हुआ, मुनाल पे हर दूसरा बंदा गया हुआ है उस पे, हाँ वो मुनाल का तो ये है कि घर से निकले, आए रात को यहाँ रुके, डिनर करें मुनाल पे और वापस चले जाएं, वो इतना बड़ा रिव्यू नहीं, और वैसे भी उसके रिव्यूज बहुत ज्यादा है, हाईलैंड का कोई रिव्यू नहीं है। सबसे बड़ी बात मुनाल हमारे लाहौर में भी है, हाँ, और मजे की बात है कि हाईलैंड का मेरे ख्याल हम पहले पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने हाईलैंड का कंप्लीट रिव्यू दिया है, कंप्लीट रिव्यू आज तक हमने नहीं देखा हाईलैंड का, ये पहली दफा हमने देखा है कंप्लीट रिव्यू। हमने आपको दिखाया था डीलक्स रूम, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड रूम है वो विदाउट बालकनी है, वो नीचे है, तो उसमें आपको व्यूज नहीं मिलेंगे, ग्राउंड फ्लोर। हाँ तो हमने आपको दिया डीलक्स रूम का रिव्यू, हाईलैंड का रिव्यू, और फिर डायनो वैली का रिव्यू। तो अब नेक्स्ट हमारी मंजिल क्या होगी ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहले अल्लाह हाफिज़ कर लो। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें ताकि आपको मज़ा आएगा, आगे और वीडियोज़ आने वाली हैं इंशाल्लाह, और क्या नाम है, वीडियो स्किप ना किया करें ताकि आप आज की जो वीडियो है ये जो बंदा कंप्लीट देखेगा उसे ही मज़ा आएगा, अगर तो आप स्किप करते हैं तो उसमें मज़ा नहीं आएगा इस वीडियो को देख के, ऐसे वो नायरा बरल बेल आइकन भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाले हमारे नोटिफिकेशन फौरन मिलता रहे, आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा ताकि फौरन आप वीडियो देख सकें। तो हमें दे इजाज़त, बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नायरा अल्लाह हाफिज़ बोल लो। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।